हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इम्पॉर्टेंट है बट इज़ बेसिक। वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ वाइन एंड अनदर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वाइन। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, बहुत ही क्लासिक डेफिनेशन है जो बुक्स के अंदर चली आ रही है, दैट वाइन इज़ एन अल्कोहलिक बेवरेज विच इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रेशली गैदर्ड ग्रेप। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इट मस्ट बी एन अल्कोहलिक बेवरेज, एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज दैट इट मस्ट बी मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप। तो ग्रेप के फर्मेंटेशन से बननी चाहिए। अगर हम किसी और फ्रूट से बना रहे हैं, दैट वॉन्ट बी अ वाइन, दैट विल बी बेसिकली अ फ्रूट वाइन। सो द ग्रेप इज इम्पॉर्टेंट हियर। द ग्रेप हैज़ गॉट वाई वी मेक मोस्ट ऑफ द वाइन्स, लाइक 99.9% वाइन्स आर मेड ऑफ ग्रेप। सो वाई वी मेक फ्रॉम द ग्रेप, बिकॉज ग्रेप हैज़ गॉट द परफेक्ट बैलेंस ऑफ शुगर, एसिडिटी, मिनरल्स, एवरीथिंग। इवन इट हैज़ गॉट द ईस्ट, वाइल्ड ईस्ट ऑल्सो ऑन इट। सो ग्रेप इज द परफेक्ट फ्रूट फॉर मेकिंग वाइन। सो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ वी गो टू द क्लासिफिकेशन। तो इन ऑर्डर टू डू क्लासीफाई, हमें देखना है कि हम किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। सो देर आर सो मैनी बेंच मार्क, सो मैनी पैरामीटर जिसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं, और इट माइट बी लिटिल कन्फ्यूजिंग, क्योंकि काफ़ी एक दो पैरामीटर दूसरे पे ओवरलैप भी करते हैं। सच एज योर फोर्टिफाइड वाइन इज ए स्टिल वाइन ऑल्सो, फोर्टिफाइड वाइन ऑल्सो, so it is kept in the category of nature or character wine also, and it has, agar hum dekhen to still wine bhi hai. So I will not confuse you, let's start. There are seven parameters broadly jinke basis pe hum wines ko classify karte hain, jisme number one is the color, then we have the taste, then we have the vintage, nature or characteristic, varietal, body and region, jise hum place of origin ya appellation bhi bolte hain. तो आइए क्विकली वन बाय वन हम देख लेते हैं इन पैरामीटर्स के बेस पे किस तरह हम वाइन को क्लासिफाई करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी हैव दी थ्री कलर्स, विच इज़ द वाइट, रेड एंड रोजे। सो वाइट वाइन इज मेड ऑफ वाइट ग्रेप, एंड इट इज़ मेड ऑफ रेड ग्रेप ऑल्सो बाय रिमूविंग स्किन। तो आप वाइट वाइन भी बना सकते हैं रेड ग्रेप, ब्लैक ग्रेप से, अगर आप उसकी स्किन रिमूव कर दें। ऑफकोर्स जो कलर है वो स्किन से आता है, तो वी कैन रिमूव द स्किन एंड वी कैन मेक वाइट वाइन आउट ऑफ इट, बट रेड वाइन इज मेड बाय ब्लैक ग्रेप ओनली, क्योंकि कलर उसी से आएगा, स्किन से आएगा। सो रेड वाइन इज अनदर कैटेगरी। देन वी हैव द रोजे वाइन विच सिट्स इन द मिडिल, ना तो वो रेड है पूरी तरह से ना वो वाइट है, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें रेड वाइन के हैं, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें वाइट वाइन के हैं। जो रेड वाइन से हैं थोड़ा सा कलर आया, थोड़ी सी बॉडी आई है, जो वाइट वाइन है उससे थोड़ी सी उसमें फ्रेशनेस आई है। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी हैव द थ्री टाइप्स, विच इज वाइट, रेड एंड रोजे। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पैरामीटर विच इज द टेस्ट। टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट के अंदर हम कोई और पैरामीटर नहीं लेंगे, हम शुगर देखेंगे कि वाइन के अंदर कितनी शुगर है, उसी के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। तो टेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो इट कैन बी ड्राई, इट कैन बी ऑफ ड्राई, इट कैन बी मीडियम एंड इट कैन बी स्वीट। सो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। सो ड्राई वाइन इज़ विदाउट शुगर और वेरी लेस अमाउंट ऑफ शुगर, रेजिडुअल शुगर। ऑफ ड्राई जो हम बोलते हैं दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ स्वीट, जो ग्रेप का नेचुरल स्वीटनेस होता है, उसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं करते हैं, बट इट इज़ द नेचुरल, दैट नेचुरली इज रीजलिंग और मोस्काटो। कुछ ग्रेप्स ऐसे हैं जिनके अंदर हाई शुगर कंटेंट है, सो एंड रिजल्ट जो वाइन है दैट विल बी लिटिल बिट स्वीट। देन वी हैव अनदर कैटेगरी विच इज़ द डिजर्ट वाइन और वेरी वेरी स्वीट वाइन, जो बहुत ही ज़्यादा सीरपी होती हैं और डिजर्ट कोर्स के साथ में उसको हम सर्व करते हैं, जो पेयर करते हैं। सो दिस इज़ द अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर विच इज़ द विंटेज। अकॉर्डिंग टू द विंटेज, नाउ व्हाट इज विंटेज, विंटेज इज द हार्वेस्ट इन फ्रांस। जिस ईयर में हम हार्वेस्टिंग करते हैं दैट ईयर इज कॉल्ड विंटेज। तो अगर हमारा किसी ईयर में एक्सेप्शनल क्वालिटी का ग्रेप हुआ है और हम पूरी की पूरी वाइन का बैच उसी ग्रेप से बना सकते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड अ विंटेज वाइन, और उस विंटेज को हम बॉटल के लेबल के ऊपर भी लिख सकते हैं। जबकि नॉन विंटेज वाइन्स आर ब्लेंडेड वाइन्स, जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी का ग्रेप पोटेंशियल नहीं है, तो हम उनको पुरानी रखी हुई अपनी जो बैचेस हैं, जो पुरानी मैच्योर हुई हुई वाइन्स हैं, उनमें ब्लेंड करके उनके टेस्ट को हम किसी तरह बैलेंस कर देते हैं और उसे नॉन विंटेज की तरह से मार्केट में सेल करते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम नेचर के बेस पे इसको क्लासीफाई करेंगे, तो हम देखेंगे वाइन के अंदर क्या क्या नेचर है। वन नेचर इज़ द स्टिल, that it doesn't have carbon dioxide. So all the wines which doesn't have carbon dioxide or effervescent or not fizzy, they will be still wines. So हमारी जितनी भी wines हैं, like your still wine, like white wine, red wine, rosé wine, fortified wine also, so जिसके अंदर भी carbon dioxide नहीं है, they all are still. Then we have, next is the sparkling wine. Sparkling wine has the carbon dioxide.
Champagne is also a type of sparkling wine which comes from the Champagne region, and then we have different type of sparkling wine. Now method of making a sparkling wine is another big topic we will discuss in another video. Then we have the fortified wine. Fortified wine are fortified by the grape spirit. So किसी तरह की spirit उसके अंदर add कर दी हमने, additional alcohol उसके अंदर add किया है जिससे कि उसकी fermentation stop हो जाती है. Before या after it depends. This we can discuss when we will discuss about briefly in fortified wines. But this is a category जिसके अंदर आपको याद रखना है कि alcoholic level higher है. According as compared to other wines like table wines have 9-14% alcohol by volume, but fortified wines have 15-20, even 22% alcohol by volume. Then इसके बाद में आ जाती है aromatized wines. Aromatized wine, as the name suggests, it is aromatic. So fortified wine में aroma दिया गया है of root, herbs, bark, flowers, different kind of aroma इसके अंदर steep किए गए हैं, इसके अंदर aromas दिए गए हैं. सो दीज आर दी फोर डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइन. इसके बाद में एक और कैटेगरी है, दैट इज़ दी वेराइटल. वेराइटल वाइन्स कौन सी होती है जिसके अंदर हमारा 100% या फिर मोस्ट ऑफ द ग्रेप इज सम पर्टिकुलर ग्रेप. फॉर एग्जाम्पल अगर शार्डोने वाइन है तो इसके अंदर 100% शार्डोने यूज़ हुआ है, या फिर 90-95% तक शार्डोने यूज़ हुआ है, हमने कोई और ग्रेप उसके अंदर ऐड नहीं किया है. सो दीज वाइन्स विल बी वेराइटल वाइन्स, और इनके लेवल के ऊपर ग्रेप का नाम लिखा होगा. फॉर एग्जाम्पल शार्डोने या फिर पिनोनुआ या फिर रीजलिंग, जो भी वाइन है उसके ऊपर जो है ग्रेप का नाम लिखा होगा. सो दीज आर द वेराइटल वाइन. तो गेस्ट वेराइटल वाइन भी ऑर्डर कर सकता है, लाइक आई लाइक टू हैव अ शार्डोने, और आई लाइक टू हैव अ रीजलिंग, आई लाइक टू हैव अ पिनोनुआ, और एनीथिंग लाइक दैट. सो दिस इज अनदर कैटेगरी हाउ वी कैन कैटेगराइज द वाइन्स. देन आफ्टर दैट वी हैव द पैरामीटर विच इज द बॉडी. सो वट इज द बॉडी? बॉडी इज द विस्कोसिटी और वेट ऑफ द लिक्विड, और द लिक्विड ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट वाइन. सो द वेट और विस्कोसिटी ऑफ द वाइन. सो बेसिकली अगर हम बताएं तो कितनी गाढ़ी है, सो वेदर इट इज़ वाटरी और इट इज़ लाइक स्किम्ड मिल्क और इट इज़ लाइक फुल क्रीम मिल्क. तो तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर देंगे. वन इज़ द लाइट बॉडीड, मीडियम बॉडीड एंड फुल बॉडीड. लाइट बॉडीड वाइन्स आर नॉर्मली लोअर इन एल्कोहल एंड दे आर रिफ्रेशिंग. एंड एग्जाम्पल इज़ द पिनो ग्रिजियो टाइप ऑफ ग्रेप और सवियो ब्लां और शार्डोने ग्रेप विच इज़ अनओक्ड. बट अगर हम उसको ओक कर देंगे थोड़ी बहुत उसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा, देन इट विल बी इन द मीडियम वाइन कैटेगरी विच इज़ लाइक द ओक्ड शार्डोने या फिर लाइटर वर्जन रेड वाइन के जो हैं. और फिर अगर हम फुल बॉडी के बारे में बात करें तो फुल बॉडी आपकी जितनी भी रोबस्ट वाइन है, लाइक नेबियोलो है या फिर कैबिनेट सबियो है, मर्लो है, मालबेक है, दीज वाइन्स आर दी फुल बॉडीड वाइन. दे आर वेरी थिक इन कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी. देन देर इज़ वन मोर पैरामीटर विच इज़ दी रीजन. अकॉर्डिंग टू रीजन ऑल्सो गेस्ट कैन ऑर्डर. सम रीजन आर सो फेमस अबाउट द पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ वाइन. इस रीजन से इस तरह की एक पर्टिकुलर स्टाइल की वाइन आती है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें शाबली, शाबली इज़ अ रीजन इन फ्रांस विच मेक्स वाइट वाइन फ्रॉम शार्डोने ग्रेप. सो दिस शाबली इज सो पर्टिकुलर दैट इट इज़ सो रिफ्रेशिंग लाइट बॉडीड वाइट वाइन दैट गेस्ट नो इट इफ इट इज़ फ्रॉम शाबली. सो दिस इज गोइंग टू बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइन. सेम गोज विद द बुजोले ऑल्सो. बुजोले इज अ रीजन इन फ्रांस, द वाइन रेड वाइन इज मेड फ्रॉम द गैमे ग्रेप. तो ये भी एक पर्टिकुलर स्टाइल है. इसी तरह शैम्पेन एक वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल इसमें है. जो शैम्पेन है, शैम्पेन इज ऑल्सो अ रीजन, इट इज़ नॉट अ वाइन. सो इट इज़ फेमस बाय द रीजन. सो दिस टाइप ऑफ वाइन द वाइन लेबल विल बी रिटन अकॉर्डिंग टू द रीजन. तो लेबल के ऊपर उनका रीजन लिखा होगा, ना कि ग्रेप का नाम. सो यू माइट बी कन्फ्यूज कि इसके ऊपर ब्रुइली लिखा है या फ्ल्यूरी लिखा है, या फिर इसके ऊपर आपके बुजोले लिखा है या फिर शाबली लिखा है. देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रेप. सो दिस इज बिकॉज दे आर सो फेमस दैट एवरी वन नोज दैट वट इज़ द ग्रेप इन दिस टाइप ऑफ रीजन. सो दीज आर द सेवन मोस्ट प्रोमिनेंट वेज ऑफ क्लासीफाइंग वाइन. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बिलो. थैंक यू.